गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज काफी दिनों के बाद एक ट्यूटोरियल में फिल्म कर रही हूँ। सो बेसिकली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं एक बहुत ही लाइट वेट स्किन लाइक बेस करती हूँ और मेकअप करती हूँ अपना। अभी मेरा जो मेकअप का रूटीन है ना, वो काफी चेंज हो गया है। इवन व्हेन देयर आर स्पेशल ओकेजंस या इवेंट्स वगैरह जो मैं अटेंड करती हूँ ना, मैं उतना हैवी जितना शायद कुछ साल पहले तक मैं करती थी मेकअप, उतना हैवी मेकअप मैं नहीं करती हूँ। आई ट्राई टू कीप इट एज लाइट एज पॉसिबल। इसको मैं एग्जैक्टली एवरी डे वाला टाइप का मेकअप नहीं बोलूंगी, उसके भी वीडियोज बनाए हैं मैंने पहले, बट दिस इज मोर ऑफ अ मेकअप विच आई डू इन पार्टीज और इफ आई एम गोइंग टू समबडीज हाउस या कोई छोटा मोटा इवेंट है उसके लिए अगर मैं जा रही हूँ, तो इस टाइप का लाइट वेट एंड ड्यूई मेकअप मैं करके जाती हूँ। दिस ट्यूटोरियल इज अ मिक्स ऑफ ड्रग स्टोर एंड हाई एंड प्रोडक्ट्स। आपको जो भी लिंक्स है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। ऑल्दो ये एक चिटचैट ट्यूटोरियल नहीं है, बट फिर भी एक चीज बस मुझे बोलनी थी। मैंने लास्ट टू लास्ट वीक जो वीडियो शेयर किया था ना अबाउट द हेट विच आई रिसीव फ्रॉम मेन, उस पर मुझे कंटिन्यूअसली कॉमेंट्स आ रहे हैं गाइज, एंड देर आर सो मेनी गर्ल्स हु हैव शेयर्ड सो मेनी स्टोरीज। मैं शायद सबको रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, बट अगर आपने कॉमेंट किया है उस वीडियो पे, देर आर मोर देन लाइक 250-300 कॉमेंट्स, एंड अगर आपने किया है तो प्लीज नो कि मैं पढ़ रही हूँ सारे कॉमेंट्स एंड आई एम विथ यू इन दिस। थैंक यू सो मच। मैंने भी काफी अंडरस्टैंड किया है, मतलब पहले जब मैंने वो वीडियो बनाया था ना, उस टाइम पे मैं एक ब्लॉकिंग स्प्री पे थी, मैं लोगों को ब्लॉक करती जा रही थी, बट अभी आई हैव जस्ट लेफ्ट इट, या मैंने बस छोड़ दिया है उसको। हियर्स होपिंग कि जो सिचुएशन है वो आने वाले दिनों में थोड़ी सी बेटर हो जाए। बालों को मैंने सिक्योर कर लिया है, अभी स्टार्ट करेंगे एक प्राइमर के साथ। मैं ये स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर यूज कर रही हूँ। सो आई ऑब्वियसली रियली लाइक दिस प्राइमर। प्राइमर बहुत बहुत अच्छा है। प्राइमर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पोर्स को फिल करना, मेकअप को अच्छे से होल्ड करना एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन एक और काफी बड़ा रीजन है जिसके लिए मैं प्राइमर्स को यूज करती हूँ। जो आपकी स्किन होती है ना, उसके और मेकअप के बीच का ना एक छोटा सा एक शील्ड जैसा होता है प्राइमर। सो इन अ वे मुझे ऐसा फील होता है कि स्किन ना थोड़ी ठीक भी रहती है प्राइमर से। नेक्स्ट जो फाउंडेशन है ना, वो मैं कलर बार का यूज कर रही हूँ। दिस इज देयर 24 आवर वेटलेस फाउंडेशन, और सच में वेटलेस ही है ये, बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है। लेकिन मैं बहुत सारा ऐसे यूज नहीं करने वाली हूँ, मैं इसकी एक ड्रॉप लेने वाली हूँ और उसे मिक्स करने वाली हूँ स्ट्रोक क्रीम के साथ, मैक की स्ट्रोक क्रीम। इसको बस हाथ पे थोड़ा सा लेके उसमें एक ड्रॉप मैं फाउंडेशन का मिक्स करूंगी। सो हियर यू कैन सी कि मैंने स्ट्रोक क्रीम ज्यादा ली है एंड फाउंडेशन बहुत थोड़ा सा लिया है। और ये वाला एक हैक है जो मैं काफी फॉलो कर रही हूँ यार आजकल, लाइक आई डोंट अप्लाई फाउंडेशन ऑन इट्स ओन। मैं उसको या तो मॉइस्चराइजर से मिक्स कर लेती हूँ या फिर स्ट्रोक क्रीम से मिक्स कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा ना एक टिंट वाला इफेक्ट आ जाता है जो काफी लाइट भी फील होता है। बस एक छोटी सी टिप थी, अगर आप मॉइस्चराइजर के साथ अपने इसको फाउंडेशन को मिक्स कर रहे हो ना, तो एंश्योर कि जो मिल्की टाइप के मॉइस्चराइजर होते हैं ना, वो आप यूज करो, जेल वाला नहीं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ना, मेरा न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर था, उसके साथ अपने फाउंडेशन को मिक्स करने की कोशिश करी तो उसका कुछ ना कलर ही चेंज हो गया। सो आई डोंट नो, सारे मॉइस्चराइजर्स वर्क नहीं करते इस हैक के लिए। द मॉइस्चराइजर्स व्हिच आर व्हाइट इन कलर ना, जो क्रीमी मिल्की टाइप के मॉइस्चराइजर्स होते हैं, वो वर्क करते हैं। अभी मैं स्नैक का ब्लेंडर यूज करने वाली हूँ। ये हमारा वेलवेट वाला स्पंज है, इट्स अ माइक्रोफाइबर स्पंज। इससे जो प्रोडक्ट है ना, वो अच्छे से ब्लेंड भी होता है और ज्यादा सोक भी नहीं करता ये। ब्लेंडिंग इज डन, बहुत एक लाइट सा कवरेज मिला है मेरी स्किन को। अभी नेक्स्ट हम यूज करेंगे कंसीलर। सो फॉर कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज माई करंट फेवरेट कंसीलर विच इज हुडा ब्यूटी फॉर फिल्टर कंसीलर। जो भी थोड़े भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज है ना स्किन के, या जहां पे भी पिगमेंटेशन वगैरह है मुझे, वहां पे थोड़ा थोड़ा मैं कंसीलर लगा लेती हूँ। छोटे छोटे डॉट्स मैंने बना लिए कंसीलर के ऑन माई स्किन। नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट विद स्नैक का कंसीलर ब्रश। दिस कंसीलर ना, हुडा ब्यूटी वाला, ये भी इट इज सच अ नाइस प्रोडक्ट। ये भी बहुत लाइट वेट है स्किन पे और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। एंड प्लस मेरा ये जो शेड है ना, शुगर बिस्किट नाम है शेड का, इट्स लाइक एन एग्जैक्ट मैच ऑफ माई स्किन टोन। पता भी नहीं चलता कि कंसीलर लगाया भी है।
मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे सन डैमेज हुआ है मेरी स्किन पे। हम लोगों ने जुलाई में ट्रैवल किया था, उसके आने के बाद ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कलरेशन सा दिख रहा होगा ना मेरी स्किन पे। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, टाइम लगेगा इसे ठीक होने में। बट कभी कभी ना जब बेस प्रोडक्ट्स लगा रही होती हूँ ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, क्योंकि कहीं पर लाइट है स्किन और कहीं पर डार्क है। बट ठीक है, हो जाएगा ठीक। द बेस इज ऑलरेडी लुकिंग सो गुड और मुझे सच में पता भी नहीं चल रहा कि मैंने कुछ लगाया भी है। इट्स फीलिंग क्वाइट लाइट। Now for blush, I'm going to use a creamy blush. ये Rare Beauty का blush है in the shade nearly neutral. और ये मैंने खरीदा था because बहुत ही natural सा blush है ये। I love the color of this blush. सारे जो भी tools में use कर रही हूँ ना, सारे snack cosmetics के हैं। इट्स अ गुड क्रीमी ब्लश। ये ना फाउंडेशन को मूव भी नहीं करता है, धीरे धीरे लगाना होता है जब फाउंडेशन के ऊपर कोई भी क्रीमी ब्लश यूज कर रहे होते हैं। बट ओवरऑल इस ब्लश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। रेयर ब्यूटी का जो लिक्विड ब्लश है वो भी बहुत अच्छा है और ये वाला भी बहुत अच्छा है। अब इसको मैं सेट करने वाली हूँ के ब्यूटी के बनाना पाउडर से। जब भी हम पाउडर लगाते हैं ऑब्वियसली ड्यूई मेकअप अगर कर रहे हैं तो सेट करने के बाद वो फाउंडेशन वगैरह सब कुछ मैट हो जाता है। बट एक प्रैक्टिस ऐसी है विच आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग एंड आई बिन डूइंग इट एवरी टाइम आई सेट माय मेकअप, एंड दैट इज यूजिंग अ सेटिंग स्प्रे आफ्टर सेटिंग द मेकअप और लास्ट में एक बार वापस। बेस को सेट करने के बाद इमीजिएटली सेटिंग स्प्रे लगाने से जितने भी पाउडर्स है ना वो सब मेल्ट हो जाते हैं और जब तक आपका मेकअप खत्म होता है ना तो सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है, वो पाउडरी पाउडरी सा नहीं लगता है। तो अभी मैं यूज कर रही हूँ मैक का फिक्स प्लस, ये लैवेंडर वाला वेरियंट है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। एक बार ये लगाने के बाद ड्राई हो जाए देन आई विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द मेकअप। आती हूँ वापस। कंटोरिंग को मैं कम्प्लीटली स्किप करने वाली हूँ इस ट्यूटोरियल के लिए। ये थोड़ा सा लाइट वाला जो मेकअप होता है ना मैं यूजुअली अवॉइड ही करती हूँ कंटोरिंग करना। अभी करेंगे हम लोग आईब्राउज फिल। मैं यूज कर रही हूँ निक्स की माइक्रो ब्राउ पेंसिल। ब्राउज मैंने फिल कर लिए हैं, अभी मैं एक ब्राउ वैक्स यूज करूंगी। ये बेनिफिट की फ्लफ अप ब्राउ वैक्स है एंड आई लव इट गाइज, दिस इज सच अ नाइस प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से सेट करके रखती है ब्राउज को। क्लियर अगर आपको लेना है तो दिस वन इज लिटरली द बेस्ट, लेकिन अगर बजट नहीं है तो यू कैन कंसिडर गेटिंग टिंटेड वाले जो आते हैं, मेबलिन का इज ऑल्सो वेरी नाइस। नाउ कमिंग टू आईज, अभी आई मेकअप का भी गेम थोड़ा सा मेरा चेंज हो चुका है। उतना जो हैवी टाइप का जो आई मेकअप होता है ना वो मैं बहुत कम करती हूँ, अनलेस इट्स अ वेडिंग और लाइक अ मेजर फेस्टिवल और समथिंग, तभी मैं हैवी वाला आई मेकअप करती हूँ। नॉर्मली आई स्टिक टू ईदर वन कलर, या तो कोई ब्राउन या पिंक वाला जो शेड होता है उस टाइप के कलर पे मैं स्टिक करती हूँ, या फिर मैं हल्का सा शिमर लगाती हूँ जैसे ये वाला है, इसी को मैं आज यूज करूंगी अपने आईज पे। एक न्यूड कलर का शिमर है, हल्का सा उसे स्प्रेड कर लेती हूँ एंड दैट्स इट। जब भी आप अपना बेस खत्म करते हो ना तो इस टाइप की लाइन आ जाती है आईज के ऊपर, तो अगर आप आई शेडो लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो ना आई प्रोडक्ट, तो इंश्योर कि आप इसे ब्लेंड कर लो इस लाइन को, नहीं तो वो थोड़ा सा ना स्टैंड आउट करती है। इस शेड का नाम है गोल्डन गोजी, दिस इज निक्स का ग्लो शॉट लिक्विड आई शेडो। इट्स नॉट एग्जैक्टली शिमर शिमर, मतलब ऐसा ग्लिटर जैसा नहीं है, ये आई शेडो ही है। हल्का सा लगा के ना इसको मैं स्प्रेड करने वाली हूँ एंड यू हैव टू वर्क क्विकली विद इट। जूम आउट करके आई वॉन्टेड टू शो यू हाउ दिस लुक्स। सो जब भी मैं ब्लिंक करती हूँ ना तो एक ब्यूटिफुल सी शाइन दिखती है आईलिड्स पे। अब मैं यूज करूंगी एक मस्कारा। मस्कारा के पहले आई एम यूजिंग स्नैक का ये लैश कलर। सो बेसिकली इस लैश कलर में इस टाइप का कोम बना हुआ है तो वो लिफ्ट ना बहुत अच्छे से करता है लैशेस को। इसको बस 10-15 सेकेंड के लिए रखना होता है और देन रिलीज कर देना होता है। अभी यहाँ पे मैंने लैश कलर यूज किया है, यहाँ पे नहीं किया है, मेरी लैशेस थोड़ी सी शॉर्ट है बट लिफ्ट हो गई है अच्छे से। मस्कारा के लिए आई एम यूजिंग टू फेस्ड बेटर देन सेक्स मस्कारा, ये उनका वाटरप्रूफ वाला वर्जन है। जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि कितना डिफरेंस आता है, यहाँ पे लैश कलर यूज किया और उसके बाद मस्कारा लगाया और यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं किया।
लिप्स के लिए सबसे पहले मैं ये लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ. ये के ब्यूटी का लिप लाइनर है. इस शेड का नाम है हाइप. इट्स अ न्यूड लिप लाइनर. जब से मैंने खरीदा है इसे बहुत यूज़ कर रही हूँ मैं. नेक्स्ट आई एम यूजिंग कीरो ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड पीची न्यूड. लास्टली बहुत हैवी हाइलाइटर मैं नहीं लगाने वाली हूँ. ये बेका का सी पॉप हाइलाइटर है ओपल शेड में. इसको मैं बहुत हल्का सा सिर्फ यहाँ यहाँ लगाऊंगी. थोड़ा सा मैंने अपनी ब्राउ बोन पे भी लगाया है लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा. एक लास्ट टाइम स्प्रे यूज कर रही हूँ. द मेकअप इज डन गाइस. मैंने सोचा पहले एक क्लोज लुक दिखा देती हूँ आपको. स्किन काफी फ्रेश भी लग रही है. कुछ भी केकी नहीं लग रहा है, कुछ पाउडरी नहीं लग रहा है. और क्योंकि हमने कम लेयर्स यूज करी है ना, तो वो जो अंडर आई क्रीजिंग होती है या जो मेकअप में इधर उधर क्रीजिंग होती है, क्रैक होता है ना मेकअप, वो सब कुछ इशू इस मेकअप के साथ नहीं होता है. प्लस मोर देन एनीथिंग एल्स ये मेकअप ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है यार. जब मैं जैसा बता रही थी ना इवेंट्स वगैरह के लिए मुझे अगर जाना रहता है तो बस मैं आई शेडो को थोड़ा सा और ट्वीक कर लेती हूँ या हल्का सा थोड़ा हैवी कर लेती हूँ या आई लाइनर लगा लेती हूँ उसके साथ. अदरवाइज दिस इज वॉट आई हैव बीन लविंग दीज डेज. एनीवे गाइज, आई रियली रियली होप कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया. फेस्टिव सीजन और शादी सीजन इज राइट अराउंड द कॉर्नर, तो मैं कर रही हूँ कुछ प्लान कॉन्टेंट अराउंड इट. लॉन्ग फॉर्म वीडियोज भी आएंगे लेकिन मैं शॉर्ट्स में भी काफी सारा कॉन्टेंट प्लान कर रही हूँ. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते वापस शुक्रवार को. एक्चुअली शॉर्ट्स में मिलती रहूंगी मैं थ्रू आउट द वीक, बट फ्राइडे को वापस मिलती हूँ लॉन्ग फॉर्म में. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ. बाय.